चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 23 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप इसको नीट की वेबसाइट से या फिर एनटीए रिजल्ट की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वेबसाइट हैंग हो जाए, इसलिए थोड़ी देर बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए का जो रिजल्ट है उसमें जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है नीट के लिए, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो 23 के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रही है, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 137 मार्क्स, ओबीसी के लिए 107 मार्क्स, एससी के लिए 107 मार्क्स, एसटी के लिए 107 मार्क्स, यूआर ईडब्ल्यूएस एंड पीएच के लिए 121 मार्क्स, ओबीसी पीएच के लिए 107 मार्क्स, इसके बाद एससी पीएच के लिए 107 और एसटी के लिए 108 मार्क्स कट ऑफ रही है। ये है क्वालिफाइंग कट ऑफ 23 के लिए। अब मैं आपको यहां पर बाकी जो स्टेटिक्स है वो बता देता हूं कि कितनी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, कितने कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं। तो ये सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें एनआरआई कितने कैंडिडेट थे, ओसीआई कितने कैंडिडेट थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें पूरा डाटा। अब लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स भी यहाँ दी गई है, इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट अपेयर कैंडिडेट की भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। 22 का भी डाटा दिया गया है और 23 का भी डाटा दिया गया है। इसमें स्टेट वाइज क्वालिफाइंग कैंडिडेट का भी, रजिस्टर्ड अपेयर कैंडिडेट का भी डाटा दिया गया है, तो आप अपने स्टेट में भी देख सकते हैं कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी इसमें टॉप 50 कैंडिडेट का भी डाटा दिया गया है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं कि टॉप 50 में कितने कैंडिडेट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसमें तो इसमें 715 मार्क्स आ रहे हैं 19 स्टूडेंट्स को, और इसमें 720 मार्क्स दो कैंडिडेट्स को आ रहे हैं, और इसमें 711 की बात करें तो 711 जो आ रहे हैं वो 26 रैंक तक आ रहे हैं, और इसमें 710 35 रैंक तक आ रहे हैं। इसमें अब हम बात करें 710 की, तो ये 46 रैंक तक आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें ये डाटा देख सकते हैं कि कितने रैंक पर कितने मार्क्स हैं इस बार के लिए। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लें। मैं आपको फिर से बता दूं, हो सकता है कुछ समय के लिए वेबसाइट हैंग हो जाए, तो आप आराम से तसल्ली से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए वही नीट की वेबसाइट है या फिर एनटीए का रिजल्ट पोर्टल है जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी रिजल्ट के बारे में। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।